ए आ गया, क्या आ गया। Yo, what's up guys? Good morning. So guys, आज है 17th of January and guys, आज हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। मैंने सुना दिल्ली में बहुत मस्त वाली ठंड पड़ रही है, तो आज हम दिल्ली के निकल रहे हैं गाइज। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी होने वाली, बट मेरी सिस्टर मेरे घर से आ रही है, मैं एक दूसरे घर पे रहता हूँ, आपको तो पता ही है, स्क्रीन पे सब आपको पता है। एनीवेज, सो गाइज अभी हम निकल रहे एयरपोर्ट के लिए, थोड़ा लेट हो गया। द रीज़न इज मैं सुबह से कैब कर रहा हूँ, बट कैब हो ही नहीं रही है यार। लाइक लेजिट मैं अभी आई थिंक 7:30 हो रहा है, मैं 7:05 से या 7:10 से बस कैब ही कैब किए जा रहा हूँ। कोई कर रहा है, कोई कैंसिल कर रहा है। भाई मॉर्निंग में कैब वाला इतना टेंशन क्यों है भाई, आई डोंट नो। पता है एक लास्ट मोमेंट में रिक्शा करने वाला था, बट फिर एकदम से कैब का नोटिफिकेशन आया कैब हो गई है। तो भाई फटाफट अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज मैं लेट हो गया। मेरी फ्लाइट है आई थिंक 9 मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, और अगर मैं 7:30 भी निकलता हूँ तो टाइम लगता है पहुँचने में यार, और मॉर्निंग में ट्रैफिक हल्का फुल्का रहता है। सो लेट्स सी, देखते हैं फटाफट एंड चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और हम किन किन लोगों से मिलने वाले हैं, उसमें शायद आपके फेवरेट क्रिएटर्स भी हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड आप भी लाइक बटन दबा दो, और फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। लेट्स गो। गाइस मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, मेरे को ये भी मिल गया मेरा बोर्डिंग पास वगैरह। एंड द थिंग इज कि यहाँ से 8-bit में से आई थिंक एक बंदा है जिसको अपग्रेड करना है, सो वो वहाँ वेट कर रहे हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम कि फटाफट उनका टिकट अपग्रेड हो जाए और हम लोग फिर निकल सके जल्दी जल्दी गेट की तरफ। बिकॉज देखो मेरे को लगता नहीं कि मैं लॉन्च वॉन्च जा पाऊँगा राइट, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। टाइम हो चुका है अब 8:30, ऑलमोस्ट 8:30 होने वाले हैं, और 9 का बोर्डिंग है। सो अगर 9 का अगर बोर्डिंग है तो 8:30 अगर मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, सिक्योरिटी मेरा बाकी है, सिक्योरिटी कम्प्लीट करूँगा, सिक्योरिटी कम्प्लीट करने के बाद फिर गेट तक जाऊंगा, और फिर रास्ते में वो अपना लाउंज वगैरह आते हैं राइट, तो लाउंज में घुसूंगा, कहाँ घुसूंगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सो अभी चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। गाइस मेरा जो गेट नंबर है दैट इज़ 40, एंड मेरी सिस्टर का गेट नंबर है 45, तो उसका फ्लाइट अलग है, मेरा फ्लाइट अलग है, तो वो 45 से 40 आई है, और मैं बिजनेस क्लास जाके लाउंज में जाके उसके लिए मैंने ये ले लिया। देखो लाइक ये दो चीज़ मैंने उठा लिया उसके लिए। भाई क्या क्या नहीं करना पड़ता बहनों के लिए बताओ, गेट तक छोड़ देना पड़ता है, गेट छोड़ो सॉरी गेट नहीं लाउंज तक छोड़ देना पड़ता है। देखो पता है क्या, तेरे लिए मैंने बिजनेस लाउंज छोड़ दिया है। देख क्या छोड़ दिया, बिजनेस लाउंज होता है ना जिसमें बैठते हैं टाइम पास। अच्छा। जैसे जैसे तुम लोग कैसे यहाँ गेट पे बैठते हो। हाँ, तो मैंने तेरे लिए बिजनेस छोड़ दिया, मैं इकोनॉमी में जा रही हूं। तो अपग्रेड कर लेती पागल, अपग्रेड तो हो जाता था आराम से। मैं गरीब हूँ। कहाँ बैठेंगे, कितने बजे कह दे रहा? मेरा तो टाइम है अभी, मेरा है कुछ 10। ठंडी नहीं है यार, मेरे को लगा ठंड होगी तो मैं फुल पहन के आ गई। लेकिन जैसे दिल्ली लैंड करेंगे वैसे ठंड है, दिल्ली लैंड करते से ठंड है, तो अभी हम बैठ के ये पीते हैं और टाइम पास करते हैं। बस अभी मैं इसके लिए जब मैं स्मूदी लेने जा रहा था ना, जब मैं सिक्योरिटी चेकिंग में घुसा, मेरे जस्ट पीछे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक एक्टर है ना वो था, तो मेरे को उस टाइम पर उससे बात करनी थी। मतलब उसको लाइक मैं उसको बोलता किया, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, एंड अभी उसकी शादी हुई है, सोचा कि मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी में उसको लोगों ने, मतलब लोग नहीं, वो सिक्योरिटी वाले बंदों ने उसको पकड़ लिया बात बात। और मेरे ख्याल से उसका बर्थडे शायद आज 17th है, क्योंकि मैंने सुना एक बंदी को कह रही थी कि उसका बर्थडे है, मैं उससे जाके मिलना चाहती थी, फोटो उसने मना कर दिया ऐसा कुछ। तभी बस स्मूदी लेने गया, स्मूदी लेके वापस ही आया तो देखा तो और लोगों ने उसको घेर लिया, तो मैंने बोला यार छोड़ो जान दो, अब उसमें मैं भी घुस जाऊँगा, मैं भी उसको रोकूंगा, बोलूँगा कि यार मेरे को और आपका 2 दो, फोटो वोटो क्लिक करूँगा तो मे भी शायद उसको और थोड़ा ऑकवर्ड लग जाएगा। और पता है कि अब मेरे को ऐसा समझ में आता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ घेर लेते हैं ना किसी को, तो जो बंदा रुक रहा है, जो बंदा चाहता है कि यार मैं से बात करूं, बट वो सोचता है कि नहीं यार उस कॉलेज लोगों ने घेर लिया, वो खुद ऑकवर्ड हो जाता है कि यार मैं कैसे जाऊं यार इतने भीड़ में। यहाँ पे मेरे बाजू में कौन है, देखो बच्ची 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 हंस रहा है, थक हंस रहा है, देखो देखो मन ही मन में हंस रहा है एकदम। मॉडल मॉडल के बाद ये बाजू में चल रहा है, और कौन है? अच्छा वो उधर काशवी बैठी हुई है, डरी हुई लग रही है मेरे को तो। गाइस हम लोग दिल्ली आ तो चुके हैं, एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े, अभी हमारी कैब आएगी, कैब आने के बाद हम लोग सारे अपने अपने होटल जाएंगे, एंड मैं आपको एक बंदे से मिलाता हूँ। देखो ओए ओए ओए, इसने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, मस्त वाले एकदम गरम गरम हैं, गरम गरम
आ जाओ। देखो गाइस, मैं जहाँ भी जाऊँ एक ना एक दर्पण ऋषभ तो मिल ही जाते हैं। गाइस भैया जी अपनी गाड़ी भूल गए लगता है, कहाँ पार्क करें। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं पिछले 5 मिनट से, आई थिंक अभी उनको शायद मिल गई है। मिल गई है, पता नहीं कौन सी ये है, आई थिंक सो यही होगी। ओ यही है। चलो गाइस फाइनली गाड़ी मिल गया। अभी होटल तरफ निकलता हूँ मैं, क्योंकि मैं कल रात से सोया नहीं हूँ। सुबह सुबह की फ़्लाइट थी मेरी, तो अभी मैं जाता हूँ। पहले तो चेंज वेंज करके फटाफट डायरेक्ट सो जाऊँगा, सीधा डायरेक्ट सो जाऊँगा मैं। और शाम में इवेंट है तो इवेंट के लिए एकदम फ्रेश उठना है, वरना इवेंट के टाइम पे भी नींद आता रहेगी ना। गाइस फाइनली मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ, एंड रूम लाइक थोड़ा अलग सा है। मतलब ऐसा रूम मैंने पहले कहाँ देखा था, आई थिंक रशिया में जब मैं था तब मैंने ऐसा रूम देखा था। तो मैं आपको गाइस एक थोड़ा सा रूम टूर देना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा रूम टूर है। तो आओ चलते हैं रूम टूर की तरफ। यहाँ से एंट्री होती है आपके रूम की, ओके। सो जैसे आप एंट्री लेते हो, अगेन अगर मैं ये गेट खोलूँगा तो यहाँ पे बाहर का जो लॉबी एरिया है फ्लोर का वो लग जाएगा। ऑलराइट, सो जैसे आप अंदर घुसते हो, अंदर घुसते से आपको देखने मिलेगा एक इस तरीके का रूम एंड इस तरीके का व्यू। खैर वहाँ हम बाद में जाएंगे और ये एक स्पेशल चीज़ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो जैसे आप एंट्री लेते हो उसके बाद आपको मिल जाता है एक वॉशरूम, एंड वॉशरूम में भाई ये बहुत अलग एंड यूनिक स्टाइल का वॉशरूम है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक बाथटब मिल जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है। अब आते हैं रूम की तरफ, ये मेरा सूटकेस है तो मैंने यहाँ उसको फेंक दिया है। ऑल्सो ये देखो गाइज, एंट्री करते से मुझे क्या देखने मिला, गैलेक्सी AI का बलून यहाँ पे इसको चिपकाया एकदम खतरनाक तरीके से, एंड गैलेक्सी अनपैक्ड। मैं वेट नहीं कर सकता गाइज सैमसंग गैलेक्सी S24 को यूज़ करने के लिए, बिकॉज मुझे देखना क्या आएगा। यहाँ पे आपको एक टीवी मिल जाएगा, यहाँ पे एक एस्थेटिक सी थोड़ी सी एक फ्रेम है, मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, वॉलेट वगैरह, मास्क एंड ऑल। सो ये भी मुझे मिल गया एजेंडा। सो गाइज बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ आज कल पूरा दिन, जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा चीज़ें होगी वो इसमें लिखी हुई है। एंड बेसिकली ये देखो गाइज, ये एक बढ़िया सा फ्रेम है यहाँ पे। भाई तुम सोचो गाइज, यहाँ पे अगर एक बंदा कोई कंटेंट बना रहा है या रील्स बना रहा है कितना मस्त आएगा ना। ये देखो कितना ज़बरदस्त है, ये एक बेड है, इस पूरे एंगल में बेड दिया उन्होंने। ऑल्सो वहाँ पे, वहाँ से आपका पूरा एक सिटिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है, पूरा ऐसा जाता है। तो यू नो लाइक एक अच्छा ये यार, अब व्यू देखते हैं, मैंने व्यू अभी तक देखा नहीं है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है यहाँ से, बट अगेन चलो आओ खोल के देखते हैं व्यू कैसा है। सो व्यू अगर आप देखोगे तो ये द्वारका में हूँ मैं, द्वारका ताज विवांता, ओके। सो यहाँ से पूरी आपको एक सोसाइटी देखने मिल जाएगी, वहाँ एक सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी, ये पूरी कॉलोनी सोसाइटी एंड ऑल। तो ऐसा है, नीचे आपका रास्ता है जो रोड जा रहा है नीचे, सो वही है। इस तरीके का हमारा एक रूम हमें मिला है आज, एंड आज मैं यहाँ रहूँगा। आज हमें शाम को निकलना है, बिकॉज शाम से इवेंट स्टार्ट होने वाला है। आज शाम को गाइज सैमसंग गैलेक्सी S24 की होने वाली है लॉन्च पार्टी, लॉन्च होने वाला है गाइज। एंड हम वो सबसे पहले बंदे होने वाले जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी S24 आने वाला है। मैं S23 यूज करके अभी तक मैं ओवर नहीं हुआ था, तो S24 आ गया है। सो अब गाइज मैं देखना चाहता हूँ कि एंड अगेन गाइज गैलेक्सी AI उसमें है, राइट। सो मैं गैलेक्सी AI ट्राई करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी वेरी न्यू। सो मैं चाहता हूँ कि गैलेक्सी AI कैसा होगा वो मैं देखना चाहता हूँ, सैमसंग S24 कैसा होगा वो मैं देखना चाहता हूँ। और आज शाम को इवेंट है तो वो वहाँ पे हम जाएंगे, सारे आपके फेवरेट क्रिएटर्स रहेंगे। होपफुली मैं सबके पास जाके ट्राई करूँगा बात करने का, मिलने का। एंड जो भी आपके फेवरेट क्रिएटर्स है वो आपको इस व्लॉग में देखेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किसको देखना अच्छा लगा मेरे व्लॉग में, ओके। ऑल्सो आज का एक इवेंट शाम में होगा, कल का जो इवेंट है, कल 18th of January है। सो कल का जो इवेंट है, कल होने वाला है हमारा मॉर्निंग से लेके पूरा लेट नाइट तक इवेंट रहेगा कल तो। सो कल का भी अच्छा खासा इवेंट है, एंड देन 19 को मेरी फ्लाइट है। सो 19 को आई फ्लाई बैक टू मुंबई, ओके। सो अभी फिलहाल थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मैं कल से सोया नहीं हूँ। आप देख सकते हो मेरी हालत, मेरी आँख एकदम रेड होगी, डार्क सर्कल्स आ गए होंगे। अभी मैं जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, बिकॉज वैसे भी नीचे लंच के लिए बुला रहे थे, तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। बच्चों देखते हैं, थोड़ा आराम करता हूँ, देन नीचे जाता हूँ, ओके। देखो गाइज मेरे होटल के नीचे ना गाड़ी लग गई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे बंदे देखो, कुछ बंदे वहाँ खड़े हुए हैं, कुछ बंदे यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ बंदे वहाँ हैं, ये गाड़ी लगी हुई है, ये लोग भी रेडी हो गए जाने के लिए। अब ये लोग सारे के सारे जाएंगे इसके अंदर, अपनी बस के अंदर, सरकारी बस, अच्छा सरकारी नहीं है, सॉरी बस के अंदर जाएंगे। मैं बस के अंदर नहीं जाने वाला, मेरा अलग प्लान है, मैं स्नीक इन करने वाला हूँ। मैं बस नहीं, ऐसी बस में नहीं देखी मेरी खड़ी है। देखो अगर तुम लोगों ने देखा होगा ना, फ्रेम में भी दिख गई थी यहाँ पे गाड़ी। तो मैं स्नीक इन करने वाला हूँ, सारे के सारे बंदे जाएंगे सामने से, मैं जाऊँगा कहीं और से और जाके इनको
थप्पा कर दूंगा ऐसा थप्पा। वैसे मैंने सबको बताया कि मैं मेरा अलग प्लान था अंदर आने का और अलग तरीके से मैं आने वाला था, लेकिन अब मैं रिवील नहीं करूंगा और ज़्यादा डायरेक्ट घुसेंगे अंदर सीधा, आप देखते हैं। गाइस हम लोग फाइनली सैमसंग इवेंट में आ चुके हैं, फिफ्थ फ्लोर पे है, मेरे साथ है गुड्डू एंड विली। आ रहा है क्या? क्या बाथरूम? नहीं जा तू जा। बताओ क्या मैं क्यों जा रहा है? व्लॉग में बता दो। तो गाइस अभी हम लोग का इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, ऑल्दो ये यूएस टाइम के साथ स्टार्ट होगा बिकॉज वहाँ पे दिन है तो वहाँ पे भी लॉन्च होने वाला है, सो इस हिसाब से रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम रहने वाले हैं अभी। आई थिंक अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 9 और मेरे ख्याल से यहाँ हमें 3-4 घंटे लगने ही लगने हैं बिकॉज 11:30-12 बजे स्टार्ट होगा, फिर यू नो उसका लॉन्च होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और मैंने एज़ कम्पेयर टू S23 अल्ट्रा का जो इवेंट हुआ था बैंगलोर में, उसके कंपैरिजन में इस बार बहुत पब्लिक आई है, बहुत सारे लोग आ रखे हैं और बहुत सारे। और देखो आज कौन है हमारे साथ। हेलो, एक बार वो उस वाली में बोल, किस में? शॉर्ट्स वाले में बोल एक बार। अमन की प्लेट रेयरबिट की और ये है मेरी बहन की प्लेट, ये देखो ये देखो नहीं नहीं ये देखो ये अमन खाने वाला है, ठीक है, रेयरबिट खाने वाला है इतना सा खाना, और ये देखो ये इतना सारा खाना पता नहीं Galaxy S24 series features screens with a peak brightness of 2600 nits. These intelligent displays detect the lighting of your environment and adapt automatically to help you see your screen more clearly with 3 levels of brightness and color adjustment. This is the best smartphone for gamers, and who better to chat with us about this impressive gameplay than Pokemon? Pokemon? भाई फोन लॉन्च करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। गाइस फाइनली मेरे हाथ में S24 अल्ट्रा आ चुका है, ये देखो। ओह लेजिट, जो फील है ना इसकी मैं बता नहीं सकता, बहुत स्मूथ टेक्सचर फील आ रहा है इसका, पता है गाइस? लाइक मेरे बोलने से कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप इसको टच करोगे ना, उसको फील करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि लाइक कितना ज़्यादा ये है। उसके बाद इसके पीछे वाले जो बेजल्स हैं ना कैमरे के, वो भी वैसे के वैसे ही लग रहे हैं मुझे जो S23 में आते हैं, बट काइंड ऑफ डिफरेंस है। ये तो खैर आपको टेलीस्कोपिक सेंसर्स वगैरह यहाँ मिल जाता है सारा का सारा, और डिज़ाइंस आप देख सकते हो, ये देखो ये वॉल्यूम रॉकर्स है, ठीक है, ये लॉक बटन है, अगेन चार्जिंग पोर्ट हो गया, यहाँ पे आपकी जो पेन आ जाती है वो है, वेल अभी पेन निकाली गई है यहाँ से, तो ठीक है नॉर्मल है। गाइज इसका कैमरा क्वालिटी देखो, ये फ्रंट फेसिंग कैमरा है, ठीक है, उसके बाद पोर्ट्रेट में आप ऐसा देख सकते हो, राइट, ये पूरा पोर्ट्रेट वर्जन है। देन अगर आपको वीडियो निकालना है तो ये वीडियो वर्जन आ गया, ये आ गया इसका, ये देखो क्वालिटी देखो बस कैमरे की,
ब्रो क्या क्या क्वालिटी आई है, बहुत प्यारी क्वालिटी आ रही है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी आ रही है। मतलब S23 की इतनी अच्छी है तो इससे ये कई गुना बेहतर है। ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी यार, बहुत अच्छी आती है। पैकेजेस है प्रो, प्रो वीडियो, नाइट विजन, फूड पैनोरामा, स्लो मोशन, एप्पल लैब्स, पोर्ट्रेट, लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हाँ वो सब भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़। गाइस जैसा भी इवेंट खत्म हुआ हमारा, और ये देखो जरा दिल्ली के रात के आपके बज चुके हैं, 2 बजने वाले हैं, ऑलराइट 2 बजने वाले हैं, और ये देखो पूरा धुंध छा रखी है और सारे क्रिएटर्स ही बाहर निकल रहे हैं। हम लोग अभी लास्ट है, आप लोग मुझे शायद देख भी पा रहे होंगे बिकॉज बहुत लो लाइट है यहाँ पे, बस ये लाइट जल रही है। एंड आज का दिन यहाँ पे ख़त्म करते हैं बिकॉज कल हमें सुबह आज जल्दी जाके सोना है बिकॉज ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। कल सुबह दोबारा यहाँ पे 11 बजे आना है, हमारा कल टूर्नामेंट है। सारे क्रिएटर्स को अलग अलग टीम मिलने वाली है जिसमें 3 अलग प्लेयर्स होंगे, एक क्रिएटर होगा, 3 अलग प्लेयर्स होंगे, राइट। एंड देखते हैं कल का मैच कैसा जाता है। एंड कल कास्टिंग भी होने वाली बाय द वे, सो कास्टर्स भी कल आएंगे, प्लेयर्स भी रहेंगे, एंड मज़ा आने वाला है। सो कल का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। एंड कल हमारा सैमसंग इवेंट का आखिरी दिन है और 19 को हमारी फ्लाइट है, सो मिलते हैं कल सुबह। गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 18th of January, डे 2nd ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S24 इवेंट। तो गाइस आज हमारा टूर्नामेंट है, आज सारे गेमर्स एक साथ आएंगे एंड आई गेस बाकी जॉनरा से लोग, जैसे फोटोग्राफी हो गया या कुछ और हो गया। सो फटाफट अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आज क्या क्या सीन होने वाला है। सो सारे गेमर्स ही हैं बट रैंडम गेमर्स होने वाले हैं, जैसे मान लो कि एक बंदा शायद फ्री फायर खेलता था वो होगा, एक बंदा शायद माइनक्राफ्ट होगा तो वो होगा, एक बंदा BGMI वाला होगा, एक बंदा शायद फोटोग्राफी वाला होगा, तो ऐसे 4 लोगों की टीम बनने वाली है। एंड दैट्स हाउ यू गोना मेक योर प्रॉपर स्क्वाड एंड देन आप कम्पीट करने वाले हो बाकी गेमर्स के साथ। तो एक बढ़िया सा टूर्नामेंट है, कास्टिंग भी इसकी होने वाली है। एंड ये सैमसंग ने हुडी दी हमें, सो ये मुझे पहनना है, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। फाइनली वेन्यू पे आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कल रात ये कैसा दिख रहा था और ये मॉर्निंग में कैसा दिख रहा है, और मेरी आंखें नहीं खुल रही है। सो वहाँ से वो बस खड़ी है, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी, ठीक है, वहाँ से सब चल रहा था। देन फिर यहाँ पे ये देखो, ये पूरा इस तरीके से ये एक एरिया बना हुआ है, यशोभूमि करके नाम है, जितने भी दिल्ली के लोग हैं, अपने दिल्ली के सब्सक्राइबर भाई लोग जितने भी लोग हैं आपको पता ही होगा, राइट। सो सैमसंग के यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे ऊपर कहीं पे सबका नाम आ रहा था, अभी दिन में खैर अभी आएगा नहीं बिकॉज आएगा भी तो दिखेगा भी नहीं। और देखो यहाँ पे कौन दिख रहा है हमें, पायल। रात को ये बिल्डिंग कैसी लग रही थी और अब ये कैसी लग रही है, मैं जैसे अभी वही कर रहा था। सो बहुत ज़्यादा वहाँ पे, पता है वहाँ, पता है तुझे वहाँ पे सबके नाम आ रहे थे बट अब खैर देख नहीं सकते, बट कितना डिफरेंस है ना बिल्डिंग में यार, रात में बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ एक बार से गोल घूम जाओ। ये गाइस ये हमारा आउटफिट है आज का, #playgalaxy। आपको अच्छे प्लेयर्स चाहिए क्या यार? मुझे अच्छे प्लेयर्स चाहिए यार, S24 पे खेलना है, हारना थोड़ी है, अच्छे से खेलेंगे। मेरे से एक नंबर पीछे रॉक पे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड लक गुड लक गुड लक। इवेंट चालू हो गया हमारा, होगा होगा होगा। नाइस नाइस, मैंने 2 ट्राई में किया, ठीक है 2 ट्राई आज आज चल 2 ट्राई 1-1 गया, कर चल 3 ट्राई ले, चल 5 ट्राई ले, तू 5 ट्राई ले, चल 10 ट्राई ले, कोई दिक्कत नहीं आज। अरे किया 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 किया। कोस्प्लेयर्स आ गए, इसमें एक पावर रेंजर बना हुआ है, एक पता नहीं क्या बना हुआ है, एक तो पता नहीं स्पाइडरमैन की औलाद बना हुआ है। तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा लग रहा है, कौन से कैरेक्टर चाहिए इसके, क्या नाम है अपना कोस्प्लेयर्स के, Marlboro, Kyle Tiger, Nairo Gaming and Dynamo Gaming coming up on the biggest live stream tournament ever. And with that, we're unveiling the Play Galaxy Cup that you all are battling it out for. Come on, people, make some noise! Game के अंदर भी बढ़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल मिस हुआ जरूर है, but मुझे लगता है कि उम्मीदें हैं और ये पट से हेडशॉट डायनमो के द्वारा। शबिक और डिस्कशन हो रहे हैं कुछ की बॉटल से हो सकता है कि थोड़े टिप्स की जरूरत पड़े कि भाई कैसे जो रोटेशन है वो किया जाए या फिर अपनी टीम को एज अ टीम कैसे लेकर आगे जाया जा सकता है। थोड़ा और आगे आगे आने की कोशिश करेंगे जॉनथन, एक बढ़िया ग्रेनेड
बाल ब्रो उनको भी डाउन किया गया, घायल टाइगर एचपी बहुत ज्यादा कम है, डायनमो इकलौते आप खिलाड़ी कह सकते हैं कि वो यहाँ पर बचे रहेंगे, फेस भी उनको डाउन किया गया। Finally guys, मैं finally होटल आ चुका हूँ। आज हमारा दिन खत्म हुआ, आज हमारा इवेंट खत्म हुआ, Samsung Galaxy S24 लॉन्च इवेंट जो था हमारा, जो 23 जो लॉन्च इवेंट था जो बैंगलोर में हुआ था वो बहुत अच्छा था, एंड एज कम्पेयर टू दैट इवेंट ये वाला इवेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब देखा जाए तो देख मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, तो देख ऊपर से ठंड, ठीक है, और मुंबई वालों के लिए ठंड मतलब अलग लेवल की खुशी, एंड इस खुशी में और चार चांद लगा दिया हमारे S24 अल्ट्रा के लॉन्च ने, तो बहुत मजा आया। ऑल्सो आई एम द वेरी फ्यू ऑफ देम इन दिस वर्ल्ड जिसके पास ये प्यारा सा S24 अल्ट्रा आ चुका है। तो गाइज बहुत ही जल्दी आपको मेरे चैनल पे एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखने मिलने वाली है, एंड मैं अभी S23 अल्ट्रा से शूट कर रहा हूँ। अब मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ कि इसका कैमरा कैसा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कैमरा में भी, सो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, एंड आई कैंट वेट टू अनबॉक्स दिस बीस्ट। उसके बाद गेम खेल के देखेंगे इस पर कैसा एक्सपीरियंस है, पता नहीं कैसे दो दिन कैसे निकल गए, 17 का जो इवेंट था फर्स्ट डे वो कैसे निकल गया, 18 जो था आज का सेकेंड डे वो कैसे निकल गया। ये दिन यहाँ ख़त्म करते हैं, ये व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं, आप लोग को आज का व्लॉग ये पूरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक इट सो फार, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मेरी स्ट्रीम मेरा व्लॉग, तो गाइज लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, एंड मैंने कोशिश किया कि आपके सारे प्यारे प्यारे पसंदीदा क्रिएटर्स को लेने की कोशिश करूँ, तो बहुत मज़ा आया। एंड बस अभी फटाफट चलते हैं, सोते हैं, मज़े करते हैं, चिल करते हैं, एंड कल फ्लाइट है मेरी मुंबई के लिए, तो स्ट्रीम भी करनी है, सो उसकी तैयारी करते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ बिस्तर पे सीधा, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।